सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो दोस्तों आज सब राइडर आपको दिखाई दे गए, आगे सब राइडर जा रहे हैं। तो आज जो राइडर सब मिले, कम से कम ये 20 या 25 राइडर हो गए जबलपुर के सब। तो आज सबके सब जा रहे हैं एक लंबी टूर के लिए, बहुत दिनों बाद ये सब। चलो दोस्तों, अभी ले लेंगे आज की राइड का मजा। और आज की राइड के मजे में बहुत सारा जो नए कुछ राइडर हैं इसमें जुड़ चुके हैं। नए कुछ राइडर इसमें जुड़ चुके हैं और नए राइडर को राइड करने में जो मजा आता है। सो मेरा जो पीछे का गियर अप है, पीछे एक पाजी है जो हमें सुबह सुबह बजरंगबली का दर्शन हो गया है। और ये मदन महल का नजारा है। मेरे साथ आप बंदा गाड़ी को जो स्विंग करता है ना भाई, मेरे को बहुत मजा आता है ये बंदे का राइड करने का। तो टेक्निक बहुत सही राइड करता है। और बंदा गाड़ी के साथ पूरी जो पैनल किट है, पूरी पैनल किट रखता है, पूरा प्रॉपर सेटअप रखता है। मतलब जो असली राइडर बोलते हैं ना, तो ये बंदा है भाई जो आगे जा रहा है अपना पीयूष भाई, पूरा की पूरा सेटअप के साथ। चाहे आपकी 50 किलोमीटर की राइड हो या आपकी कौन सी भी राइड हो, बंदे के साथ किट बंदी ही रहती है पैनल की। ये सही बंदा है राइडिंग का। तो बहुत सारे बाकी जो राइडर रहते हैं उनको भी इनसे हेल्प होती है राइड करने में, और गाड़ी में कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है और बंदा के पास नॉलेज इतना है कि कौन सी भी गाड़ी का प्रॉब्लम वो यूं लगे हाथ ले ले लेता है। चाय के लिए कहाँ पे? सब राइडर यहाँ पे रुके हुए क्योंकि यहाँ से अरे तो ऑपराइडिंग का मजा क्या लेना फिर, किचन में नहीं गाड़ी डालना। तो कैसी बात कर रहे हो यार। हाँ, अरे अपने से बड़े बड़े पंटर यहाँ पे राइडिंग वाले। चलो निकल जाती है, पीछे पीछे चलो पीछे। अरे टाइम लगेगा पीयूष भाई, यहाँ पर निकल जाएंगे। जाने दो, थोड़ा सा गाड़ी भरेगी तो राइड का। ये जो हमारे पीयूष भाई है भाई, मैंने बहुत आपकी तारीफ की है वीडियो में, देख लेना। हाँ मैंने भाई, मैंने इतनी तारीफ़ की कि मैंने ये बोल दिया है कि ये जो बंदा है भाई, ये असली राइडर है। असली राइडर की निशानी ये होती है कि बंदा 10 किलोमीटर भी जाना है तो पूरा किट साथ में रखता है। ठीक है, ये ग्रुप में कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसकी गाड़ी खोल के देखो ना, मुश्किल से एक दो पैनल मिलेंगे। हाँ, और बंदे की तारीफ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये ढीला हो गया थोड़ा सा।
तो उसको मुझे थोड़ा सा टाइट करवाना है, आगे जाके थोड़ा सा भी रुक जाते हैं। हाँ नहीं रे भाई गायब नहीं करना। मुझे टैकल करना था लेकिन मैं कर नहीं पाया, और आगे जो राइडर जा रहे हैं अभी अपने सामने जो एक जेंट राइडर है वो लेडीज है। मैडम बहुत ही मैडम के हस्बैंड और मैडम आर्मी में है लेकिन राइडिंग के बहुत शौकीन है और बहुत ही अच्छी राइड करते हैं मैडम, बहुत जगह बहुत स्टेट राइड कर चुके हैं। सो ग्रुप में बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जो प्रोफेशनली राइड करते हैं, ऐसे लोग यहाँ ग्रुप में जुड़े हुए हैं। अच्छा लगता है इनके सबके साथ राइड करके, मतलब एक जो मजे होता है राइड का बहुत ही अच्छा लगता है। प्रोफेशनली लोगों के साथ राइड करने का यही मजा होता है। और दोस्तों ये है हमारे राइड के जो राइडर केसी अभी फिलहाल एक राइड कर चुके हैं जो कि उत्तराखंड और नेपाल की राइड करके अभी जस्ट आए हुए हैं। सो उन्होंने गाड़ी भी एक्सचेंज की हुई है नई गाड़ी के साथ, आज ये उनकी पहली राइड है शायद। तो रुकने के बाद उनका एक्सपीरियंस ले लेंगे कि कैसे उनका एक्सपीरियंस रहा राइड का। और जो अपने राइड को आज लीड कर रहे हैं वो पीयूष भैया द राइडर ऑफ जबलपुर, तो आज अपने राइड को लीड कर रहे हैं। सो इनका हेडफोन शायद ख़राब हो गया है तो ये हेडफोन चेक कर रहे हैं। और इनको ज़रा चेस करते हैं, तो राइड का आज हमारा पहला डे रहा और भाई मीटियोर सबसे आगे रहेगी। मीटियोर भाई इस ये ग्रुप की जान है। मीटियोर का आज तक ये ग्रुप कोई तोड़ नहीं निकल पाया है। मीटियोर की रफ्तार का कोई मुकाबला करे ऐसा कोई राइडर ये ग्रुप में अभी तक पैदा नहीं हुआ है। सो आप देख रहे हो मेरे सामने जो मीटर है जो ब्रदरहुड चला रहा है बहुत ही प्रोफेशनल राइडर है, और केसी भाई के पास भी मीटर ही थी रिसेंटली, उन्होंने उसको सेल आउट किया हुआ है। लेकिन मीटर का ही वो मैजिक है कि वो आज सेकंड नंबर पे यहाँ पे है क्योंकि उनको एक मीटर ने आदत लगा दी है गाड़ी चलाने की, सबसे तेज और सबसे रफ्तार वाली गाड़ी बोलते हैं इसको मीटियोर को, बहुत चला के मजा आता है।
हम बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाती है, बहुत ही अच्छी स्किल राइड स्किल है इनके पास। एकमात्र राइडर है जो सबको टैकल कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा राइड करके मजा आया उनके साथ। भाई के पैसे गिर गए शायद, और इसके हमेशा पैसे गिरते रहते, तो क्या हुआ, व्हाट हैपन, पीछे तो रुक, सब खेत में काम चल रहे हैं। सो खेत में काम चलने के कारण यहाँ पे बहुत ही मस्त नज़ारा दिख रहा है, और ये लोग, ये रहा भाई प्यारा व्यू, बहुत ही अच्छा व्यू है आगे, और इस व्यू के लिए हम सुबह निकले थे, और वो एक बंदा देखो कुछ स्किल अपनी आजमा रहा है, देखो भाई। और
अभी रिसेंटली योगा डे हुआ है, सो केसी भैया अपने बाइक पे योगा करते हुए और हमारे जो सबसे टील के रीडर है जो सबको खींच के लेके आते हैं, आज वो सबसे टॉप पे राइड कर रहे हैं और वो सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि थोड़ा और फास्ट चलो क्योंकि आपका पीछे का जो टेल वाला है सबसे टॉप पे आया हुआ है। ये राइड भाई, ये जो मज़ा है राइड करने का और राइडरों के साथ वो अलग ही होता है। बहुत ही क्रूज करते हुए पाजी पाजी सबको राइड करते हुए इंस्ट्रक्शन देते हुए कि भाई आगे निकलो आगे निकलो। बहुत ही स्लो स्लो चल रहे हैं, थोड़े पांच चलना चाहिए राइड को। तो एक्चुअल मैडम को आगे रहना चाहिए क्योंकि मैडम जिस रफ्तार से गाड़ी चलती है, मैडम जिस रफ्तार से गाड़ी चलाती है, मुझे नहीं लगता कि और कोई राइडर इतनी रफ्तार से आगे निकल पाएगा। सो वो उनकी मजबूरी भी है, सबके साथ सबका विकास। सॉरी गाइस, जावा के प्रोफेशनल राइडर में से एक। राइडर जो सबसे अच्छी क्रूज करते हैं और ये बंदा रहा जो योगा करता है। देखो गाड़ी पे योगा करने वाला फर्स्ट बंदा। योगा डे को ये बंदे ने जिस तरह से सेलिब्रेशन किया है, ये बंदा कर रहा है गाड़ी पे योगा। और मेरे आगे का जो राइडर है पीयूष भैया, बहुत ही अच्छी राइड करते हैं और बाइक क्रूज करने में इनका कोई तोड़ नहीं, इनका कोई आज तक हाथ नहीं पकड़ पाए ये ग्रुप में। बहुत ही बाइक को इतना क्रूज कर देते हैं, गाड़ी को इतना गिरा। देखो उनका राइडिंग स्किल, देखो सांप जैसे निकलते हुए। गाड़ी को भगाना पड़ेगा थोड़ा सा। भाग रहे मिटोर, तेरे धन्नू भाग, तेरे इज्जत का सवाल है धन्नू। चल धन्नू, तेरे इज्जत का सवाल है, भाग।
हमारे जो रॉबिन हुड राइडर है ग्रुप से जो राइडर है विधायक जी,